हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स का आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं और जो पहला सेक्शन लिया है हमने डिस्कशन के लिए वो है पॉलिटी का सेक्शन, जिसमें जून से लेकर जनवरी 2020 तक के करंट अफेयर्स हम लोग आपके साथ बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे। यानी हम लोग ये पूरी सीरीज दो भाषाओं में रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो आज का पहला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोग यूपीएससी और काफ़ी सारे स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो अगर इसमें आपको इंटरेस्ट हो तो दिए गए दो नंबर्स पर आप कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो दोस्तों, जो आज का पहला टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में, यानी संसदीय स्थायी समितियों के बारे में। अब न्यूज़ क्या है, चर्चा में क्यों है ये? देखिए, फिलहाल में देखा गया है कि संसद में कई सारे विधेयक जो हैं वो बिना समीक्षा के पास करा दिए गए, बिना समीक्षा के पारित कर दिए गए। तो ये समीक्षा करेगा कौन? यही संसदीय स्थायी समितियां पहले समीक्षा करती हैं, उसके बाद ही कोई बिल पास कराया जा सकता है। यानी अगर पार्लियामेंट में आपको कोई बिल पास कराना है तो पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज उसको पूरी तरह स्क्रूटिनाइज करेंगी। उसकी स्क्रूटिनी होने के बाद ही वो बिल पे आगे वोटिंग होगी और वो बिल फाइनली पारित किया जाएगा या फिर पास कराया जाएगा। तो अब ये स्थिति आई क्यों? क्यों स्क्रूटिनी से बची गवर्नमेंट, क्यों ये स्टेप नहीं हुआ? देखिए, बेसिकली हुआ ये है कि ये जो संसदीय स्थायी समिति हैं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, वो अभी तक गठित ही नहीं हुई हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं जुलाई की, जब लगातार काफ़ी सारे विधेयक पास करा दिए गए थे बिना ही समीक्षा के। तो उसमें हुआ ये था कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ का गठन ही नहीं हुआ था। बात कर रहे हैं हम लोग अपनी 17वीं लोकसभा के बारे में। तो गठन ना होने के कारण कोई बॉडी ही नहीं थी जो इसको पूरी तरह स्क्रूटिनाइज करे, और इसी वजह से उस समय जो विपक्ष में पार्टियां थीं वो कह रही थी कि भाई सरकार इस पूरी सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब ये न्यूज़ आपको और ज़्यादा रेलेवेंट तब लगेगी जब आप एक बार बैकग्राउंड समझेंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होता है? ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इस तरीके की बॉडी है, एक अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट को उसके फंक्शंस करने में असिस्ट करती है, उसकी हेल्प करती है। तो यानी बेसिकली ये संसदीय सहायता के लिए गठित की जाती है। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालें तो पहली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये की गई थी 1561 में और शुरू हुई थी ये प्रथा ब्रिटेन से। और अगर उसी में मैं बात करूं भारत के कि भारत में पहली बार कब इसका गठन हुआ, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया था 1919, उस एक्ट के तहत पहली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ था 1921 वर्ष में। तो आपको वर्ष याद रखना है और कौन सी एक्ट के तहत हुआ था ये भी याद रखना है। अब भाई अगर बात करें तो इन कमिटीज़ की ज़रूरत क्या है, क्या है इनकी नीड? सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं समीक्षा या फिर स्क्रूटिनी। दूसरी बात भाई, बात यह है कि पार्लियामेंट के पास ना तो इतना सफिशिएंट टाइम होता है, ना ही इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है कि वो हर एक मुद्दे का गहन में चिंतन कर पाएँ, यानी बहुत डिटेल से वो किसी मुद्दे को समझ पाएँ, उस पर चर्चा कर पाएँ। ना तो इतना पार्लियामेंट के पास टाइम है, ना ही उनके मेम्बर्स में इतनी कोई स्पेशलाइजेशन है या फिर एक्सपर्टीज़ है। तो इस वजह से ये कमिटीज़ की स्थापना की जाती है, जिस का मेन जो लक्ष्य है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये होता है कि इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूरे विधेयक का हर एक क्लॉज का अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस कर पाएँ, अच्छे से उसकी स्क्रूटिनी कर पाएँ और पार्लियामेंट को उसकी वर्किंग में असिस्ट कर पाएँ। साथ ही सरकार को जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स लेने हैं, जो लॉन्ग टर्म उसको पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी में भी ये स्टैंडिंग कमिटीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर मैं संविधान की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई प्रावधान नहीं है, कोई स्पेशली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हालांकि हम मानते हैं कि कुछ एक अनुच्छेद हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 105 या फिर अनुच्छेद 105 और आर्टिकल नंबर 118। जो 105 है ये बेसिकली पार्लियामेंट के मेंबर्स के प्रिविलेज के बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ अपनी कुछ हद तक अथॉरिटी यहाँ से ड्रॉ करती हैं। वैसे ही जो आर्टिकल 118 है वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, वो अपने खुद के रूल्स बना सकती है, खुद का रेगुलेटिंग प्रोसीजर बना सकती है, कैसे बिजनेस कंडक्ट करना है इसके बारे में
वो कुछ रूल्स बना सकती है, तो ये भी एक ऐसा आर्टिकल है जो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सपोर्ट करता है। हालांकि जो मैंने पहले बताया, संविधान में कोई डायरेक्ट ऐसा प्रोविजन, कोई प्रावधान नहीं है जो इन कमिटीज़ को डायरेक्टली सपोर्ट करता हो। अब अगर मैं बात करूँ तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज़ और एक होती है एडहॉक कमिटीज़। माफ़ कीजिएगा, ये बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक है स्टैंडिंग और एक है एडहॉक। अगर मैं स्टैंडिंग की बात करूँ तो ये क्या है, ये वो हैं जो वहाँ पे खड़ी रहती हैं, मतलब स्टैंड करती हैं। ये ऐसी नहीं है कि अपना काम हो जाए तो हट जाएँ या फिर डिसॉल्व हो जाएँ, ये परमानेंट नेचर की होती हैं और हर वर्ष इनका गठन किया जाता है और ये जो है नियमित रूप से कार्य करती हैं और जैसे कि हमने बात की ये स्थायी होती हैं। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं एडहॉक की, तो ये अस्थाई होती है अपने नेचर में, यानी ये पर्टिकुलर टास्क के लिए ही गठित की जाती है। टास्क जैसे ही ख़त्म हुआ, इस पर्टिकुलर कमिटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। अगर हम और ज़्यादा डिफरेंशिएशन पे जाएं, तो जो एडहॉक कमिटी होती है यानी कि अस्थाई कमिटी होती हैं, इसके भी दो अलग अलग डिफरेंशिएशन है। इसको अंदर ही अंदर बांटा गया है सिलेक्ट कमिटी में और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में। अब अगर इसमें भी हम लोग बात करेंगे तो ये जो सिलेक्ट कमिटी है, ये दोस्तों विधेयक स्पेसिफिक होती है, यानी ये बिल स्पेसिफिक होती है। कोई एक बिल बना, उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर स्क्रूटनी करने के लिए ये पर्टिकुलर कमिटी बनाई जाती है। तो ये जो है ये बिल स्पेसिफिक होगी और जनरली कब बनाई जाती है, जब कभी एक डेडलॉक स्थापित हो जाता है। यानी मान लीजिए लोकसभा ने ओके कर दिया बिल, लेकिन राज्यसभा ने ओके नहीं किया, तो एक डेडलॉक एस्टैब्लिश हो गया और इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलरली एडहॉक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है। अब एडहॉक कमेटी के अंदर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर मैं बात करूं, तो देखिए इसका नाम है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ज्वाइन होके, यानी दोनों मिलके इस पर्टिकुलर कमेटी की स्थापना करते हैं। और क्योंकि दोनों यहाँ पे हाउस का रोल है, तो इसीलिए ये कब बन सकती है, जब एक हाउस मोशन पास कर दे और दूसरा हाउस उसी मोशन को एक्सेप्ट कर ले, तभी इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की जा सकती है। अब अगर हम लोग मेंबर्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर इसको गठित किया है, इसीलिए ये बात निश्चित है कि दोनों के ही मेंबर्स होंगे। तो जनरली होता ये है ट्रेंड कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो 2 times होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स से। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 30 मेंबर है मान लेते हैं, तो 10 तो होंगे राज्यसभा के और उसके 2 times यानी कि 20 होंगे लोकसभा के। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपको ये चीज़ याद रखनी है, लोकसभा के जो मेंबर हैं वो डबल होते हैं और राज्यसभा के वो जो है उसके हाफ होंगे, तब जाके टोटल मेंबर्स बनते हैं इसके, जो कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा से सम्मिलित होंगे। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर। भाई स्टैंडिंग कमेटी जो है, हमने आपको बताया कि ये स्थायी होती है नेचर में, यानी कि परमानेंट होती है। परमानेंट का लेकिन ये तात्पर्य नहीं है कि ये 5 साल चलती ही जाएगी, ये हर साल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, यानी एवरी ईयर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। भाई ज़्यादातर जो बिल हैं वो इसमें रेफर किए जाते हैं, ये उस बिल की समीक्षा करती है, स्क्रूटनाइज करती है उन बिल्स को, और उसके बाद ही वो जो बिल हैं वो पारित किए जाते हैं। अगर मेंबर्स की बात करें, तो इसमें करीब 31 मेंबर्स होते हैं, जो 21 और 10 दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, यानी कि 21 मेंबर तो आते हैं लोकसभा से और बचे हुए 10 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। और अगर इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, तो आपको याद रखना है इसका ज्यूरिसडिक्शन सभी मिनिस्ट्रीज और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर है। और अगर नंबर की बात करें कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या फिर संसदीय स्थायी समिति टोटल कितनी है, तो करीब 24 ऐसी समितियां हमको देखने को मिलती हैं, जो शुरुआत में 17 थी, फिर उसके बाद वर्ष 2004 में 7 और कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके तहत अब ये करीब 24 हैं। अब भाई इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो स्क्रूटनाइज कर पाती हैं, जिसकी वजह से सरकार को एक जवाबदेही बनाए रखने में ये मदद करती हैं, गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से ये काम करती हैं, सरकारी नीतियों की जांच करने में ये संसद की क्षमता में वृद्धि करती हैं, जो भी बजटरी एलोकेशंस होते हैं, जो वित्तीय विवरक हैं, माफ़ कीजिएगा, जो वित्तीय विवेक हैं उसको मजबूत बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई बिल तो इस स्टैंडिंग कमेटी की स्क्रूटिनी के बिना पास हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इम्प्लिकेशन है? तो देखिए, सबसे पहले तो इस लेजिस्लेशन पे बहुत अच्छे से चर्चा नहीं हुई है, तो ये संभव है कि ये बहुत लंबी दूरी तय ना कर पाए। हो सकता है इस लॉ में, इस कानून में बार बार संशोधन करने पड़े, क्योंकि
इसकी समीक्षा नहीं हुई है, तो इसमें अगर कुछ लूप होल्स भी होंगे या फिर कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जो आज की स्थिति को सूट ना करें, तो उनको भी स्क्रूटनाइज नहीं किया गया, उनको ऐसे ही पास कर दिया गया। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो मुसीबत का सामना करेंगे जिसकी वजह से उनको संशोधित करना पड़ेगा। तो ये संभव है कि ऐसे कानून को बार बार संशोधित करना पड़े। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके अगर बहुत सारे संशोधन होंगे तो प्रोसेस लंबा खिंचता जाएगा, बहुत सारे डिलेज आएंगे और अल्टीमेटली ये पूरे पर्पस को ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफिशिएंट फंक्शनिंग है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो इन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये है स्थानीय कोटा के बारे में, यानी अलग अलग जो राज्य हैं वो नौकरियों में अपना स्थानीय कोटा नियत करने की मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन रहेगा। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बन गया पूरे भारत में जिसने 75% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी हैं अपने लोकल्स के लिए प्राइवेट जॉब्स में। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा पहला स्टेट है, कौन सा पहला राज्य है जिसने 75% आरक्षण रख लिया है निजी नौकरियों में अपने स्थानीय लोगों के लिए। तो ये किसके तहत किया गया, ये एक अधिनियम है या जिसको हमने कहा आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट 2019, उसी के तहत ये 75% रिजर्वेशन का कानून लाया गया। मध्य प्रदेश ने भी ऐसा अनाउंस किया है कि हम भी 70% आरक्षण लाएंगे अपने निजी नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। अब भाई मुद्दा अपने लिए यहाँ पे आके अटकता है, क्या ये संवैधानिक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो इसका आंसर होगा हाँ, यस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे है, देखिए आर्टिकल जो 16 है वो क्या कहता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जोर देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे, यानी अनुच्छेद 16 में लिखा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पर आंध्र प्रदेश के केस में ये जो 75% रिजर्वेशन रखा गया है ये प्राइवेट जॉब्स में रखा गया है, यानी कि ये निजी नौकरियों में रखा गया है। तो पहला तो फैक्टर ये हो गया कि ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये पब्लिक कंपनीज में रखा जाता तो इसको हम चैलेंज कर सकते थे कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, तो यानी कि मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, सभी का नागरिक अगर आंध्र प्रदेश में जॉब करने के लिए आए तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को कहा गया है कि वो 75% आरक्षण की पॉलिसीज को लागू करें। और साथ साथ यही अनुच्छेद एक और बात कहता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता RRSCB के बेसिस पे, यानी रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और बर्थ के बेसिस पे, और साथ साथ वो रेसिडेंस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कह रहा है कि भाई रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे वो अपने ही लोगों को इतनी ज़्यादा निजी नौकरियों में आरक्षण दे रहा है, तो क्या ये रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हम लोग रेसिडेंस के अंडर नहीं गिनेंगे, यहाँ पे ये चीज़ डोमिसाइल के अंदर गिनी जा रही है। देखिए अगर हम लोग बात करें डोमिसाइल के बेसिस पे रिजर्वेशन, तो वो अलाउड है, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा कि डोमिसाइल के बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो अब बात आती है कि डोमिसाइल और रेसिडेंस में फ़र्क क्या है। हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 16 में लिखा है रेसिडेंस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डोमिसाइल के बेसिस पे कर सकते हैं। क्या फ़र्क है, देखिए रेसिडेंस तो है जहाँ पे आप रह रहे हैं, डोमिसाइल का तात्पर्य है पहला तो वो रेसिडेंस को इंक्लूड करे हुए, यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं, और दूसरा वहाँ पे आपका इंटेंशन है कि आप आगे भी रहेंगे। मतलब आप अभी मान लीजिए 4-5 सालों से रह रहे हैं और आने वाले समय में भी आप वहीं पे रहेंगे, तो उस बिना पे, उस बेसिस पे अगर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो वो रिजर्वेशन असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकते। तो यहाँ पे दो बड़े फैक्टर्स हो गए जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि ये असंवैधानिक नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, दूसरी बात यहाँ पे रेसिडेंस के बेसिस पे नहीं बल्कि डोमिसाइल के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया है। डोमिसाइल हमने बताया एक तो है रेसिडेंस, यानी जहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, दूसरा आपका इंटेंशन टू स्टे, यानी आप आने वाले समय में आप अपने भविष्य में वहीं पे रहने वाले हैं।
तो इस आधार पे आपको यहाँ पे अगर रिजर्वेशन दिया गया तो वो असंवैधानिक नहीं होगा। अब क्या रीजंस बताए जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि पूरे देश में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, साथ में जॉब्स की भी कमी हो रही है, साथ में सभी सेक्शन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अगर इस तरीके का हम लोग मूव करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्थानीय नौकरियों में भाग लेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर हमने लोकल जॉब में कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन रख दिया तो लोग क्या करेंगे, लोग एग्रीकल्चर से हटकर इस तरफ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर पे लोड थोड़ा कम होगा, उसके अलावा जॉब्स भी यहाँ पे मिलेगी लोगों को। और तीसरी बात, क्योंकि हर एक सेक्शन के हर एक वर्ग के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो दलित और मुस्लिम वर्ग का कॉरपोरेट सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम पाया गया है। तो अगर इस तरीके की कोई पॉलिसी हो गई जहाँ पे कुछ प्रतिशत आरक्षण वहाँ के स्थानीय लोगों को दे दिया तो स्थानीय नौकरियों में जा पाएंगे वो, और इस वाले फैक्टर से भी हम लड़ पाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने और भी कई कारण दिए हैं, कई रीजंस दिए हैं कि हमने ये मूव क्यों लिया। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि ये जो मूव है ये प्रो इंडस्ट्री मूव है। अब अगर बात करें तो प्रो इंडस्ट्री कैसे मूव है, देखिए अगर वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय नौकरियों में कुछ आरक्षण होगा तो उन लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप होगी, उनको लगेगा कि भाई ये हमारी नौकरी है, ये हमारा स्टेट है, ये हमारी इंडस्ट्री है, और इसीलिए वो पूरी मेहनत से इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, जिसके तहत इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। उसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार का कहना ये है कि जनरली होता क्या है, जब भी इंडस्ट्री लगती है तो लोगों को तो वहाँ से हटा दिया जाता है और वो ज़मीन पे इंडस्ट्री लगा दी जाती है, लेकिन इन लोगों के नौकरी का कहीं कुछ पता नहीं होता। उनको वहाँ से हटा दिया तो उनकी तो लैंड भी चली गई, यानी उनकी ज़मीन भी चली गई, और उनको जॉब भी नहीं मिला। तो अगर इस तरीके की रिजर्वेशन पॉलिसी होगी तो यहाँ आके जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसको 75% जॉब देनी पड़ेगी वहाँ के लोकल्स को। तो ये जो है लोकल अगर अपनी ज़मीन देगा तो उसके बदले उसकी जॉब लग जाएगी, एटलीस्ट उसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने को आता रहेगा। आंध्र प्रदेश का ये भी कहना है कि जब उसका बाइफर्केशन हुआ तेलंगाना से तो उसके बाद उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, एक बड़ा झटका पहुंचा। बाइफर्केशन के बाद जॉब एकदम से घट गई, वहाँ के जो लोकल्स थे, जो स्थानीय लोग थे, उनके पास नौकरियाँ नहीं बची। तो अगर इस तरीके की पॉलिसी लाएंगे तो उस चीज़ की हम लोग भरपाई कर पाएंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ये भी कह रही है कि हमारा ये जो मूव है ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को जन्म देगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से क्या मतलब है, देखिए आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमने इस प्रकार का ये रिजर्वेशन कोटा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, हमको देख के हमारे आसपास के राज्य भी इस तरीके से करेंगे, धीरे धीरे ज़्यादातर राज्य इस तरीके से परसेंटेज का कुछ आरक्षण रख लेंगे, जिसके तहत वहाँ के स्थानीय लोगों को जॉब मिलेगी, जिसके तहत आगे होगा क्या, माइग्रेशन भी कम होगा, और जो लोग माइग्रेट करके कुछ एक लिमिटेड सिटीज़ में चले जाते हैं तो उन सिटीज़ पर एकदम से भार बढ़ जाता है, जैसे कि बॉम्बे, जैसे कि दिल्ली। ज़्यादातर क्या होता है, अगर दिल्ली माने तो हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के ज़्यादातर जो भी लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सब दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाके काम ढूंढते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, दिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हो जाता है। तो अगर हर एक स्टेट कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन अपने लिए मेरा मतलब है अपने स्थानीय लोगों के लिए रखेगा तो वहाँ के स्थानीय लोग कम माइग्रेट करेंगे, उन्हें अपने ही राज्य में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा, और इस वजह से जो इन स्टेट्स पे बर्डन पड़ता है वो भी कम होगा। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार के ये सब रीजंस, ये सब तर्कों के बाद भी कुछ कंसर्न बचते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री है वो ऐसे नहीं चलती, वो चलती है स्किल पे। अगर भाई वहाँ के आसपास के लोगों में वो स्किल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक इंडस्ट्री डालनी है, मान लीजिए मेरे को किसी एक छोटे से एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री लगानी है, तो अगर मैं आसपास का लोग देखूं तो उनको इतनी स्किल ही नहीं मिली हुई कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी काम कर पाएँ, तो मेरे को अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर देखना पड़ेगा। हो सकता है मेरे को इतने इनफ लोग ही ना मिल पाएँ पूरे आंध्र प्रदेश में कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ईजिली हैंडल कर पाएँ, लेकिन क्योंकि ये पॉलिसीज़ हैं, ये अब अधिनियम बन गया है, तो इस वजह से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वहीं से 75% लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, जो उसके लिए बहुत समस्याजनक बात बन सकती है। और दूसरी बात, देखिए बाइफर्केशन जब हुआ, जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को ही काफ़ी समय तक इकोनॉमी में
समस्या फेस करनी पड़ी। बहुत समय तक आंध्र प्रदेश के पास इन्वेस्टमेंट नहीं आई, इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई। अब क्योंकि रिजर्वेशन वाला मूव आंध्र प्रदेश सरकार ले आई है, तो ये संभव है कि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कम प्रेफर करें। उनको लगे आंध्र प्रदेश में जाएंगे, वहाँ पे अगर अपना यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे तो वहाँ पे फिर 75% तो वहीं की वर्कफोर्स लेनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट ना करके किसी और राज्य में इन्वेस्ट किया जाए। हो सकता है इसका एक इल इफेक्ट हो जाए कि आंध्र प्रदेश में आने वाले इन्वेस्टमेंट और कम हो जाए। और वैसे अगर हम ओवरऑल देखें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो भाई इस मूव की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2017 और 2018 के अगर मैं फिगर्स देखूं तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश की रैंक थी फर्स्ट, यानी नंबर वन पे था। और वहीं अगर आप 2018 और 19 के फिगर्स देखें तो भी आंध्र प्रदेश टॉप मोस्ट पोजिशन पर ही था। तो ऑलरेडी वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो इस तरीके का एकदम से ड्रास्टिक मूव लाना हो सकता है चीज़ें आगे बिगाड़ दे। तो बेसिकली ये हमने इसकी एनालिसिस की। मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश सरकार अपने आप को डिफेंड कैसे कर रही है, क्या क्या बातें कह रही है कि ये मूव सही है हमारा, और क्या इसके उल्टी तरफ की चीज़ें हो सकती हैं, क्या इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड ये होने चाहिए कि आप बड़े बड़े मुद्दों पे फोकस करें। जैसे आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करें, बेरोजगारी कम करें, जॉब्स क्रिएट करें। इस तरीके के मूव्स हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी लोगों को डिस्करेज कर दें। उसके अलावा हमको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम हो रही हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी हुई, देखिए सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, अप्रैल इंडस्ट्री हो गई। ये जो इंडस्ट्री हैं ये सब की सब ज़्यादा लेबर डिमांड करने वाली इंडस्ट्री हैं। अगर हम इन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे तो हमारी ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हम काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे। तो ये इसका वे फॉरवर्ड हो गया। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का सवाल आए कि भाई ये जो लोकल लेवल पे लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं नौकरियों में, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, तो आप इसी तरीके से एनालाइज करें। पहले आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें, फिर आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखें, फिर आप लिखें कि वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए कि भाई इस तरीके का मूव ना ला के आप लोग जॉब क्रिएशन पर ध्यान दें, आप लोग बेरोजगारी की समस्या सुलझाने पर ध्यान दें, और साथ साथ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। UPSC के मेंस में ऑलमोस्ट हर एक साल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने कोई भी रिकमेंडेशन में आप ये वाला पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करें कि हमको ज़रूरत है भारत में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने की। अब जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारत में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, यानी फ्री लीगल एड इन इंडिया। बेसिकली न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि फ़िलहाल में एक रिपोर्ट जारी की गई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा, जिसका टाइटल था क्वालिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ फ्री लीगल एड सर्विसेज इन इंडिया। यानी जो पूरी रिपोर्ट थी उसमें फोकस था निशुल्क विधिक सहायता। तो इसी वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना कि लीगल सर्विसेज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, निःशुल्क विधिक सहायता क्या होती है, किस तरीके से ये लोगों तक पहुँचाई जाती है, किस तरीके से लोगों का भला करती है। देखिए दोस्तों, जो लीगल सर्विसेज है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है प्री लिटिगेशन लीगल सर्विस और एक पोस्ट लिटिगेशन लीगल सर्विस, यानी पूर्व मुकदमेबाजी के जो विधिक सेवाएं होती हैं और एक मुकदमेबाजी के उपरांत जो विधिक सेवाएं होती हैं। तो इन दो कैटेगरीज में इसको विभाजित किया जाता है। अब मुकदमे से पहले कौन कौन सी सेवाएँ हैं, भाई लीगल एजुकेशन लेना, लीगल एडवाइस लेना कि हमारा जो केस है क्या वो मजबूत है, हमको क्या करना चाहिए, लीगल अवेयरनेस लेना, प्री लिटिगेशन सेटलमेंट्स की कि भाई कोर्ट में जाने से पहले ही कोई सेटलमेंट यहाँ पे हो जाए तो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में वार्तालाप करना। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इस तरीके की सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉ कॉलेजेस का सपोर्ट लिया है, लॉ फैकल्टीज़ का सपोर्ट लिया है, लीगल एड क्लिनिक्स का भी सपोर्ट लिया है। अब हम देखते हैं मुकदमेबाजी के उपरांत जो विधिक सेवाएं दी जाती हैं यानी पोस्ट लिटिगेशन लीगल सर्विसेज क्या हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, लॉयर्स का अपॉइंटमेंट, पुअर के लिए
यानी जो गरीब लोग लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए लॉयर्स का अपॉइंटमेंट सरकार करवा के देती है। उसके अलावा जो भी प्रोसेस फीस लगती है उसका रीइंबर्समेंट पहुंच जाता है वापस गरीब लोगों के पास। उसके अलावा विटनेस का जो भी एक्सपेंडिचर होता है, कोर्ट की जो भी फीस होती है, उसको भी स्टेट ही बेयर करता है, जिससे कि हर एक गरीब व्यक्ति को इंसाफ दिलाया जा सके, उसको न्याय की राह पे चलने में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए ज़्यादातर जो भी यहाँ पे पैसा लगेगा, जो फाइनेंशियल नीड्स होंगी, वो सब सरकार पूरा करेगी, और मोस्टली जो भी उस गरीब का पैसा लगेगा वो उसके पास रीइंबर्स होके वापस आ जाएगा। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो ये निःशुल्क विधिक सहायता है क्या, फ्री लीगल एड क्या चीज़ है, बेसिकली क्या है, इसमें कुछ नहीं, हम लोगों को सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में उन सभी लोगों को सहायता देनी है, उन सभी लोगों को फ्री लीगल एड देनी है, विधिक सहायता फ्री में प्रदान करनी है, जो लोग लॉयर्स पे लगने वाला जो खर्चा है उसको वहन करने में असक्षम है, यानी कोई भी लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर उन लोगों को कोर्ट तक जाना है, विधिक सहायता लेनी है, तो उनको अपनी जेब से खर्च ना करना पड़े पैसा, ना ही उनको कोई सेकंड थॉट देना पड़े कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। तो इसी वजह से निःशुल्क सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। लीगल एड को ह्यूमन राइट के तौर पे भी देखा गया है। अनुच्छेद 7, 8 और 10 अगर हम बात करें, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में जो कि हुई थी उसकी, तो ये तीन अनुच्छेद जो लीगल एड है यानी विधिक सहायता है उसको मानव अधिकार के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस वजह से भी ये विधिक सहायता हमारे लॉ सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अब अगर यही पूरी चीज़ भारत में बात की जाए, तो भारत में फ्री लीगल एड की बात करें या फ्री लीगल सर्विसेज की बात करें, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाए, तो वो संवैधानिक रूप से हर एक नागरिक को मिला हुआ है, यानी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें, तो उसमें भी किसी ना किसी फॉर्म में वो प्रेजेंट है। 1976 में 42वां संविधान का संशोधन हुआ, उसमें अनुच्छेद 39 का क्लॉज ए आया, जिसके तहत ये जिम्मेदारी बन गई स्टेट की कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे अलग अलग स्कीम्स के द्वारा, अलग अलग योजनाओं के द्वारा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रखी गई, वो रखी गई स्टेट के ऊपर, वो प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल एड उन व्यक्तियों को जो लोग किसी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण लॉ तक पहुंच नहीं लगा पाते, वो इस फ्री लीगल एड से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फील करेंगे। जो भी हम लोग सहायता के कार्यक्रम चला रहे हैं विधिक सहायता के, उन सभी को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए हमने एक अधिनियम पारित किया। अधिनियम क्या था? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और कब था? 1987 में। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत फोकस क्या किया गया? फोकस किया गया कि पूरे देश भर में जो भी वीकर सेक्शन है, जो ऐसा वर्ग है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उसको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। इसी अधिनियम के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इसी अधिनियम के तहत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया है नालसा। अब भाई नालसा क्या है? तो नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो जितने भी विधिक सहायता के कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी को मॉनिटर करने में नालसा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नेशनल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, और जो भी ये सहायता के कार्यक्रम चलते हैं उन वो सही ढंग से चलते रहें, प्रॉपर जो भी व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच करने की कोशिश करे उसको ये सहायता दी जाए, इस सब का ध्यान रखती है ये संस्था। अगर हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो कि इसके पेट्रन इन चीफ हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ तो ये इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, और फिर सीजीआई की मदद से ही उन्हीं के कंसल्टेशन के बाद यहाँ पे कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। तो यानी जो दूसरे मेंबर होंगे वो सर्विंग या रिटायर्ड होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये ध्यान रखा जाए ये जो जज को नॉमिनेट किया जाता है ये नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिशन या अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो सीजीआई से कंसल्ट करते हैं, जो दोनों के बीच में मिलकर तय होता है उसी के आधार पे ये दूसरी सीट भरी जाती है, और वो होते कौन है? सर्विंग या रिटायर्ड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज।
तो अभी आपने देखा कि भाई नेशनल लेवल पे बन गया है एक नालसा। इसी तरीके से यही जो अधिनियम है इसने हर एक स्टेट में स्टेट लेवल पे एक सालसा भी बना दिया। जैसे नालसा वैसे ही सालसा। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसे ही हो जाएगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसी तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट में डलसा बनेगी, यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये तीनों ही लेवल पे मौजूद हैं। आप ये देखें नेशनल लेवल पे भी है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टेट लेवल पे भी है, और फिर और नीचे जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। और अगर इसी सीक्वेंस में आप और नीचे जाएंगे यानी कि तालुका लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पे असिस्ट करने के लिए ये एक्ट के तहत लोक अदालत का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी चार लेवल पे अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई, अलग अलग संस्था बनाई गई, जो कि जो भी भारत में विधिक सहायता होगी उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसको मॉनिटर करेगी, और उसमें जो भी कमियाँ होगी उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेगी। नेशनल लेवल पे हो गया नालसा, स्टेट लेवल पे हो गया सालसा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया डलसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और नीचे अगर हम जाएंगे तालुका लेवल पे, तो वहाँ पे लोक अदालत बनी हुई हैं जो लोगों की मदद करती हैं कानून समझने में और लीगल एड देती हैं। और हर एक हाई कोर्ट में भी एक इस तरीके की कमिटी बनी हुई है, जिसको यहाँ पे कहा जाता है हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। तो ये 1987 के तहत जो अधिनियम पारित किया गया उसके तहत बहुत सारी लीगल एड से संबंधित संस्थाएं बनाई गई, जिससे कि लीगल एड या फिर विधिक सहायता भारत के कोने कोने तक पहुंच सके। लेकिन आज भी कुछ समस्याएं हैं लीगल एड को एक्सेस करने में। सबसे पहले क्या समस्या है? जागरूकता का अभाव है। लोगों को जागरूकता ही नहीं है कि हमको किस तरीके से सरकार मदद करना चाह रही है, किस तरीके से अलग अलग संस्था बनी हुई है जो हमारे को लीगल एड प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा विलंबता होती है अलग अलग मामलों में। जैसे कि अगर अपन सिंपल सा केस माने कि लॉयर कितने दिन में किसी भी व्यक्ति को असाइन हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो लॉयर है ये असाइन होने में जो नेशनल एवरेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 दिन है। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन आज जाएगी तो करीब 11 दिन बाद जाके आपको कोई लॉयर असाइन होगा। और राजस्थान जैसे कई राज्यों में जो ये ड्यूरेशन है ये 48 दिन तक भी स्ट्रेच हुई है। तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पेंडेंसी है। उसके अलावा एम्पैनल्ड लॉयर्स की संख्या भी कम है। और ये हम कैसे कह रहे हैं? ये हम एक रिपोर्ट के आधार पे कह रहे हैं। रिपोर्ट है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव रिपोर्ट। उसने ये बताया है कि भारत में अगर हम लीगल एड सर्विसेज की बात करें तो 1,00,000 पॉपुलेशन पे सिर्फ और सिर्फ 5 वकील ही मौजूद हैं। तो आप देखें कितना ज़्यादा वर्कलोड है इन वकीलों के पास। तो अगर मान लेते हैं आप अवेयर भी हैं, अगर आपको फाइनली वकील भी असाइन हो गया, तो वकील के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होगा कि आपके केस की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कमज़ोर पड़ेगी। और साथ साथ लोगों के मन में एक ये भी चीज़ होती है कि यार जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो अच्छी नहीं है। तो ये जो परसेप्शन है इसके तहत भी कई जो लोग हैं वो इस सर्विस को अवेल नहीं करते। फिर उसके बाद वकील भी कई बार इसमें बहुत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते। वो इसलिए क्योंकि भाई वकीलों को कौन कंपनसेट करता है? वो करती है सरकार। सरकार जो है वो देखा गया है कि मार्केट रेट से जो मार्केट एवरेज है उनसे कम देती है वकीलों को। फॉर एग्जांपल अगर वकील को मार्केट में किसी केस के लिए 1,000 रुपये मिले तो गवर्नमेंट उसको फ्री लीगल एड के लिए 800 रुपये ही देगी। तो वकील अपने 200 रुपये का नुकसान देखता है, और इसी वजह से ज़्यादातर यहाँ पर ना जाके ये वाले केस में ध्यान देता है। इसकी वजह से केस लंबे पड़े रहते हैं, बहुत देर देर तक चलते रहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के विलंब होते हैं, जो ओवरऑल पूरा मकसद है फ्री लीगल एड का उसको समाप्त कर देता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है नागालैंड से संबंधित। यहाँ पे हम लोग रिन की बात करेंगे। रिन क्या है? ये एक रजिस्टर है इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स का जो कि नागालैंड में रहते हैं। यानी कि नागालैंड ने अपना स्थानीय नागरिकों का एक रजिस्टर तैयार करने की घोषणा की है। और वो किस ग्राउंड्स पे तैयार करना चाह रहा है? जैसे कि आसाम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को लागू करने पे काम चल रहा है, वैसे ही नागालैंड अपने इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स यानी कि जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनको पहचानने के लिए रिन को लागू करना चाह रहा है। रिन क्या है? रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। तो यानी मैं बात करूँ तो भाई रिन क्या है? रिन जो है ये नागालैंड का वर्जन है NRC का। तो NRC कहाँ है? NRC आसाम में है। हम लोग आने वाले अपने टॉपिक्स में NRC को भी अच्छे से कवर करेंगे। अभी आप देखिए रिन क्या है। रिन जो है
वो एनआरसी जो कि आसाम में हुआ था उसी का एक इंडिजिनाइज्ड वर्जन है जो कि नागालैंड का है। बेसिकली क्या है, देखिए इस तरीके का एक रजिस्टर है, रजिस्टर में जो नाम लिखे गए हैं वो उन्हीं लोगों के लिखे जाएंगे जो नागालैंड के इंडिजिनस लोग हैं, यानी जो बाहर से आए हैं, समझ लेते हैं बांग्लादेश से कुछ लोग घुस के आ गए हैं नागालैंड में, तो इस रजिस्टर में उनका नाम ना लिया लिखा जाए, इस चीज़ इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ही ये है कि नागालैंड के जो इंडिजिनस इन्हेबिटेंट्स हैं उनकी पहचान किया जाए। सरकार की यहाँ पे ऐसी प्लानिंग है कि दिसंबर 2019 तक हम लोग ये रजिस्टर तैयार कर देंगे और फाइनल लिस्ट पब्लिश कर देंगे। और भाई एक बार ये फाइनल रजिस्टर पब्लिश हो गया, मतलब सब कुछ मैंने तय कर लिया, सारे मैंने एनालिसिस कर लिया, रिसर्च कर लिया, उसके बाद मैंने ये रजिस्टर तैयार कर दिया, तो इसमें कोई भी नए नाम नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें जो नए नाम जुड़ेंगे वो होंगे सिर्फ बच्चों के, जो भी नागालैंड के इंडिजिनस लोग हैं। मान लेते हैं ये जो ए और बी है ये एक दंपत्ति है जो नागालैंड में ही रहती है, वहाँ की इंडिजिनस है, तो अगर मान लेते हैं कल को जब इनका बच्चा होता है तो उस बच्चे का नाम इसमें ऐड कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसे और किसी व्यक्ति का नाम इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो यानी कि इसको जब भी अपडेट किया जाएगा तो अपडेशन जो होगा उसके दौरान सिर्फ न्यूली बॉर्न बच्चों को ही इसमें ऐड किया जाएगा, और कोई भी फ्रेश सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू नहीं किए जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब भाई नागालैंड ऐसा कर क्यों रहा है? नागालैंड कह रहा है कि हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको हमको प्रिजर्व करना है। बाहर के लोग आके उसको नष्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को बाहर के लोगों से अलग होना है। कौन हमारा नागालैंड का इंडिजिनस इनहैबिटेड है उसको हमको यहाँ पर लिखना है, अलग रखना है, और कौन बाहरी इलीगल माइग्रेंट है उसको हमको यहाँ पे अलग करना है। अब अगर प्रोसेस की बात करें तो देखिए दिसंबर 2019 में तो हमने बात की कि फाइनल ड्राफ्ट छपेगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा, इस ड्राफ्ट को जनता के सामने रखा जाएगा, जनता को अपने क्लेम्स के लिए समय दिया जाएगा, उनके क्लेम्स जब सरकार के पास जाएंगे तो उन क्लेम्स पे विचार किया जाएगा, विचार के बाद फिर इसको अपडेट किया जाएगा, और अपडेट करने के बाद फाइनली इसको दिसंबर 2019 में पब्लिश किया जाएगा। एक बार जब ये पब्लिश हो गया इसके बाद अब ये अपडेट नहीं किया जाएगा, किसी को भी यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जाएंगे। सर्टिफिकेट सिर्फ किसको मिलेंगे, जो भी नए बच्चे बॉर्न होते हैं, जो न्यू बॉर्नस हैं उनको मिलेंगे, और वो भी तब जब वो नागालैंड के ही इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स के ही बच्चे हों। अब भाई ठीक है, ये सारी बात हमने समझ ली, बात भी मान ली कि नागालैंड अपने इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स को पहचान लेगा, लेकिन अब इनके साथ जुड़ी हुई समस्याओं की बात करते हैं। सबसे पहली समस्या, मान लीजिए 10 लोग हैं, आपने पहचान लिया, इसमें से 8 तो हमारे इंडिजिनस हैं और 2 जो हैं वो इंडिजिनस नहीं हैं, वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अब भाई इन इलीगल माइग्रेंट्स का होगा क्या, इनका आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें कि भाई हम बांग्लादेश में इनको भेज देंगे, देखिए जनरली ये इलीगल माइग्रेंट्स होंगे, ये 99% बांग्लादेश से ही आए होंगे, तो अगर आप कहेंगे कि हम बांग्लादेश में भेज देंगे तो बांग्लादेश ने तो पहले ही मना कर दिया, उसने साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से वापस बांग्लादेश में नहीं लेंगे, ये भारत का इंटरनल मैटर है। तो अब इन बचे हुए 2 लोगों का, यानी कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनका क्या होगा? दूसरा कंसर्न ये है कि नागालैंड में आज भी आफ्सपा जो है वो एक्टिव है, और नागालैंड जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टेट है, उसके अलावा यहाँ पे एथनिक वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो माना ये जा रहा है कि अगर इस तरीके का आपने रजिस्टर प्रिपेयर कर दिया, रजिस्टर में आपने नागालैंड में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के नाम लिख दिए, तो इस तरीके की एथनिक वायलेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिन लोगों के इसमें नाम नहीं आए हैं हो सकता है उनके खिलाफ हिंसा भी होने लगे, उनको मारा पीटा जाए, और यहाँ पे आपने उनकी कोई व्यवस्था का भी नहीं सोचा है। तो इस तरीके से टेंशन्स जो ऑलरेडी नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं वो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। अब अगर हम लोग नागालैंड की वैसे बात करें तो नागालैंड की अगर पॉपुलेशन देखें 2011 सेंसस के हिसाब से, तो करीब करीब इसकी पॉपुलेशन होती है 20 लाख। इसमें करीब 25 अलग अलग ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जनजातियाँ रहती हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग नागालैंड को देखेंगे तो देखिए नागालैंड इस तरीके से 4 अलग अलग एरियाज से बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर की तरफ ये अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, ये जो नीला नीला यहाँ पे हमने बनाया है ये नागालैंड है।
तो ये ऊपर जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, इस तरफ ये आसाम से बॉर्डर शेयर करता है, इसी के नीचे ये बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर से, और इसके अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे या फिर ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो म्यांमार से ये यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया चार अलग अलग जगह से बॉर्डर शेयर करता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वहाँ से अलग अलग जनजातियों का नागालैंड में आगमन हो सकता है, और वैसे ही इस तरीके से ये वापस भी जा सकती हैं, क्योंकि जनरली ये पूरा बॉर्डर जो है ये पोरस है। तो इस डेमोग्राफिक फीचर की वजह से जो हम रजिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे क्योंकि हम मैप देख रहे हैं तो आप दो चीज़ें और देख लें, ये जो पहला वाला बिंदु है जिसमें ये वाला जो है ये है कोहिमा, और जो कोहिमा है ये है नागालैंड की राजधानी, और जो दूसरा वाला बिंदु है ये इस तरफ बॉर्डर की तरफ ये है दीमापुर, जो कि बॉर्डर पे पड़ता है आसाम के और नागालैंड के। तो ये दो जगह तो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये दोनों याद रखनी चाहिए। अब एक और बात, ये जो पूरी एक्सरसाइज कैरी होगी, ये रजिस्टर जो बनाया जाएगा इसको कौन मॉनिटर करेगा, कौन पूरा इसको संचालित करेगा, तो वो जो नागालैंड के कमिश्नर हैं वो इस पूरे रजिस्टर को संचालित करेंगे। यानी मेरा तात्पर्य है जो पूरा प्रोसेस है रजिस्टर मेकिंग में, जिसमें हमने बात की कि पहले ड्राफ्ट बनेगा, फिर लोगों के क्लेम्स के लिए समय दिया जाएगा, फिर उसके बाद अपडेट होगा, और फिर फाइनली दिसंबर 2019 को ये छपने की संभावना तय की गई है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मॉनिटर किया जाएगा कमिश्नर ऑफ नागालैंड के द्वारा, और अगर इस प्रोसेस में उनको और लोगों की ज़रूरत हो तो सरकार जो है उनको कुछ नोडल ऑफिसर्स भी दे सकती है जो कम से कम सेक्रेटरी की रैंक के होने चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उनको कुछ नोडल ऑफिसर्स भी यहाँ पे असाइन किए जाएंगे जो सारा वर्क कैरी आउट करेंगे, और ये होंगे सब सेक्रेटरी की रैंक के। और ये होगा पूरा प्रोसेस कैसे, ये एक्सटेंसिव सर्वे से होगा। अब हम समझते हैं भाई, एक बार ये पूरा रजिस्टर इशू कर दिया गया, यानी एक बार अपडेट हो गया, ये रजिस्टर ऐसे बन के हमारे सामने आ गया। तो एक बार जैसे ही ये रजिस्टर बन के सामने आ गया तो इनमें जिनके भी नाम होंगे उन सबको सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। सर्टिफिकेट यानी कि इस तरीके का एक दस्तावेज़ होगा जिसमें बार कोड के फॉर्म में कोई चीज़ होगी, इस बार कोड से यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा उस पर्टिकुलर पर्सन का, और साथ में इसी बार कोड से ये पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ेंगे। सरकार साथ में ये भी चाहती है कि ये जो सर्टिफिकेट है इनको जोड़ दिया जाए इनर लाइन परमिट से। अब मुद्दा आता है ये इनर लाइन परमिट क्या है। दोस्तों अगर हम इनर लाइन परमिट की बात करें तो ये कुछ ऐसे यात्रा दस्तावेज़ हैं जो सबसे पहले कौन इशू करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी। ध्यान रहे, हालांकि आप यहाँ पे नागालैंड की बात पढ़ रहे हैं लेकिन ILP इशू कौन करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। अब ये क्या चीज़ है, आसान भाषा में समझते हैं भाई, ये है नागालैंड। अगर मान लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम लोगों को यानी हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, निवास करते हैं, हम लोगों को नागालैंड विजिट करना है, तो अगर किसी भी अलग या दूसरे राज्य के व्यक्ति को नागालैंड में ट्रैवल करना हो, विजिट करना हो, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो परमिशन है कुछ नहीं, ये परमिशन ही इनर लाइन परमिट है, और परमिशन कौन देगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो जनरली पूरे नागालैंड में ये इनर लाइन परमिट का सिस्टम चलता है, लेकिन नागालैंड के सिर्फ एक एरिया में ऐसा है जहाँ पे ये इनर लाइन परमिट आपको नहीं चाहिए। अगर आपको विजिट भी करना है तो वो बिना इनर लाइन परमिट के आप विजिट कर सकते हैं। तो कौन सा इलाका है, वह है दीमापुर। इसी वजह से मैंने मैप में आपको मार्क करके बताया था दीमापुर कहाँ पर है। अब बात करते हैं इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, यानी 1873 में एक एक्ट आया, एक रेगुलेशन आया जिसको कहा गया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। उसी के तहत पहली बार ILP को लागू किया गया। उस समय ये क्या था, बेसिकली जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स यानी कि जो भी भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय सारे ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स थे, तो इसी वजह से जो भी इंडियन है वो उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकते, उनको उस एरिया में जाने से रोकने के लिए ILP का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और वहाँ पे जाने की मनाई क्यों थी, क्योंकि उस एरिया में ब्रिटिश के काफ़ी कमर्शियल इंटरेस्ट थे, यानी आर्थिक इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स के उस एरिया में थे। आर्थिक इंटरेस्ट से क्या होगा, देखिए अगर कोई एरिया प्रोबेबल ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग
माइनिंग करके या वहाँ के जंगलों को एक्सप्लॉइट करके काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पैसे कमा सकते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कोई और व्यक्ति वहाँ पे आए। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारतीय उस एरिया में पहुँचे, इसीलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये ILP का सिस्टम लाया गया। और आज़ादी के बाद 1950 में ये जो वर्ड था ब्रिटिश सब्जेक्ट, इसको रिप्लेस कर दिया गया सिटीज़न ऑफ इंडिया से, यानी भारत के नागरिक से। बेसिकली ILP क्या करता है, ये आपके मूवमेंट को रेगुलेट करता है, कुछ एरियाज़ में हम लोग नहीं जा सकते। तो अब अगला मुद्दा आता है, क्या ये सिर्फ नागालैंड के राज्य में ऑपरेट करता है? तो आपको ध्यान रखना है, नागालैंड के अलावा भी दो क्षेत्र हैं जहाँ पे ये ऑपरेट करता है, जहाँ पे ये एक्टिव है, जिसमें से एक तो है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है मिज़ोरम। तो ये कुछ फैक्ट्स ILP के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब भाई सरकार चाह रही है नागालैंड की जो ये ऋण के तहत सर्टिफिकेट्स इशू होंगे बारकोड वाले, उन सर्टिफिकेट्स को कनेक्ट कर दिया जाए ILP के तहत, जिससे कि सारा डेटा एक कंसोलिडेटेड जगह पे आ जाए। देखिए, इसका बारकोड के तहत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखेंगे ही रखेंगे, अगर हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं तो ILP में भी सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह पहुंच जाएगा। तो इससे ये पता पड़ पाएगा कि नागालैंड के अंदर कौन जा रहा है और बाहर कौन आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मेघालय के बारे में बताया गया, मेघालय पहला राज्य बन गया है पूरे भारत में जिसके पास अपना खुद का जल नीति मसौदा है, या फिर पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे वाटर पॉलिसी लागू की गई है। इसने क्यों लागू की? इसने कुछ मुद्दों को देखते हुए लागू की। वहाँ पे समस्याएं थी, पानी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा था, तो उस पानी के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, उसके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए पर्टिकुलरली पॉलिसी लाई गई है। अब भाई अगर हम बात करें हमारे संविधान की, तो अनुसूची 7 में जो पानी है या जल है वो एक राज्य विषय है, यानी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में ही राज्य सरकार ने जल शक्ति मिशन के बारे में घोषणा की थी कि वो जल शक्ति मिशन इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिसके तहत पानी से संबंधित समस्याएं हल की जा सकती हैं। अब मेघालय में ऐसा है क्यों? देखिए, मेघालय में आपको मालूम है बारिश की तो कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन समस्या ये है कि वो पानी वहाँ पर रिटेन नहीं रहता। वो क्या है, एक पर्वतीय राज्य है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं बारिश बहुत ज़्यादा भी हो रही है, तो जो पानी है वो इस तरीके से बांग्लादेश में बह जाता है बहुत ही कम समय में, इसी वजह से वहाँ पे जल का संरक्षण नहीं हो पाता। अब ये जो वाटर पॉलिसी मेघालय लाया है, इसके तहत वो पानी को कंजर्व करने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे राज्य में हो रही पानी की समस्या से लड़ा जा सके। यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे? यहाँ पे वाटर सैनिटेशन विलेज काउंसिल्स बनाई गई हैं, यानी कि ग्रामीण स्तर पर यहाँ पे जल स्वच्छता ग्राम परिषद का गठन किया गया है, जिससे कि इस नीति को लागू किया जा सके सामुदायिक भागीदारी के तहत। यानी हम बात करें तो इसमें पार्टिसिपेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे पॉलिसी फोकस करती है, जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, यह है रूल 49MA या फिर नियम 49MA। ये क्या है? देखिए कहाँ मैंशनड है, सबसे पहले तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में ये मैंशनड है, यानी कि चुनाव संचालन नियमावली की एक धारा है ये। और ये कब से अस्तित्व में है? ये 2013 में इनकॉर्पोरेट की गई थी इस पर्टिकुलर रूल बुक में। अगर हम आसान भाषा में समझें तो देखिए क्या है, मान लेते हैं मैं जाता हूँ और एक EVM पे वोट डाल के आता हूँ। मान लेते हैं मैंने पार्टी ए को वोट दिया, लेकिन मैं वोट देने के बाद बाहर आता हूँ और कहता हूँ कि भाई EVM मशीन ख़राब है, क्योंकि मैंने पार्टी ए को वोट दिया है लेकिन मेरा वोट पड़ा है पार्टी बी को। और मैं कहता हूँ, ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जो मेरी प्रिंट करके स्लिप निकली है EVM मशीन से, उसमें पार्टी बी का निशान आ रहा है, जबकि मैंने वोट दिया था पार्टी ए को। तो अब क्या होगा, जो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो प्रिसाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो ये सब चीज़ें मुझसे लिखित में लेगा और साथ साथ वो मुझे बताएगा कि अगर मैंने गलत बोला या मैंने झूठ बोला तो इसके लिए मुझे सज़ा दी जाएगी, मुझे जुर्माना भरना पड़ सकता है और इनफैक्ट मुझे जेल भी हो सकती है। फिर उसके बाद अगर ये पूरी इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में ये बात निकली कि मैंने झूठी कंप्लेन की है,
तो भाई इसके तहत मुझ पे कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 177 के तहत मुझ पे 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा और साथ साथ मुझे 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर दोनों ही एक साथ मुझे देना पड़ सकता है। तो बेसिकली यही है रूल 49MA, जिसमें अगर किसी भी वोटर ने ये कंप्लेन की कि भाई ईवीएम ख़राब है और उसने कहा कि मैंने तो ए को वोट दिया लेकिन मेरा वोट बी को पड़ा है, मेरी प्रिंट वाली स्लिप में यही निकला है, ये बात प्रिसाइडिंग ऑफिसर उससे एक लिखित फॉर्म मिलेगा। लिखित फॉर्म में लेने के बाद उसको बताएगा कि अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में अगर निकल गया कि भाई ये चीज़ गलत है, ये इन्फॉर्मेशन, ये जो एलिगेशन है ये फॉल्स है, तो आईपीसी की सेक्शन 177 लागू होगी, 1,000 रुपये तक का फाइन होगा और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अब भाई ईवीएम में होता क्या है, ईवीएम में आपको एक बटन दबाना होता है, वहाँ पे चिन्ह अंकित होता है, उस चिन्ह में उस चिन्ह को आपको दबाना पड़ता है। तो एक बार आपने मान लीजिए ए पार्टी का बटन दबाया तो आपको वीवीपैट में वही ए पार्टी का निशान दिखाई देगा और ये स्लिप जो है ये आपको कितने 7 सेकंड तक दिखाई देती है, उसके बाद ये कट के उसमें ही गिर जाती है। वोटों की गिनती के समय ये स्लिप निकाल ली जाती है और स्लिप को जो वोट्स पड़े हैं उनसे मैच कराया जाता है और उसके आधार पे फाइनली वोट की गिनती को वेरीफाई किया जाता है। तो यह है रूल 49MA, इसको भी आप ध्यान रखें। सज़ा के प्रावधान मैंने आपको बता दिया, 1,000 रुपये और 6 महीने की आपको जेल हो सकती है या फिर दोनों भी आपको यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। फिर हम देखते हैं अपने अगले मैटर को, यह है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। लगातार ये न्यूज़ में रहा है किसी न किसी वजह से। यहाँ पे जब हमने न्यूज़ ली है तो वो है इसने एक पेनल्टी इम्पोज की है सभी फार्मा कंपनियों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन एक्ट 2002 को वायलेट किया है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है उसको वायलेट किया है, उसके तहत इन पे पेनल्टी इम्पोज की गई है। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आता है यहाँ से कि ये सीसीआई क्या है। तो बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप ध्यान रखें, ये कंपटीशन एक्ट 2002 या फिर प्रतिस्पर्धा नियम 2002 को लागू करती है और इसकी स्थापना भी इसी पर्टिकुलर अधिनियम के तहत हुई है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में हुई थी और अगर हम बात करें तो मई 2009 से इसने पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। ये काम क्या करती है, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कंपटीशन पे बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, एडवर्स इफेक्ट डाल सकती हैं, उन सबको रोकने के लिए ये कार्य करती है। अगर कोई संवैधानिक संस्था है जो प्रतिस्पर्धा के मामले में इससे कोई राय मांगती है तो ये उस पर्टिकुलर मामले में अपनी राय भी प्रदान करती है। साथ साथ ये प्रतिस्पर्धा संबंधित मामलों में जागरूकता फैलाने का भी काम करती है, मार्केट में कंपटीशन सही से बना रहे, सस्टेन रहे और एक हेल्दी कंपटीशन चलता रहे, इस पे भी ये पर्टिकुलर संस्था जोर देती है। तो इसके फंक्शंस और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे है 2024 तक सरकार ने कहा है कि सभी लोगों को स्वच्छ पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो 2024 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि कब तक टारगेट तय किया गया है तो आपको ये वर्ष 2024 याद होना चाहिए। यहाँ पे है क्या, केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हम लोग पाइप्ड वाटर कवरेज देंगे सभी हाउस होल्ड को। अभी अगर करंट बात करूं मैं तो अभी सिर्फ 18% भारत में ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सुविधा है। जो हमारी केंद्र सरकार है वो कह रही है कि 2024 आते आते इसको हम 100% कर देंगे, यानी गांव के हर एक घर तक यहां पे हमको शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। तो ये जो पूरा काम है ये एक योजना के अंतर्गत हो रहा है। योजना का नाम है हर घर नल हर नल जल, यानी हर एक घर में तो हम लोग पहले तो नल की सुविधा पहुंचाएंगे, तो पाइप्ड जो हमारा वाटर सप्लाई है तो उसमें जो पाइप्ड है वहाँ पे है नल, और उसके बाद हर नल में जल, यानी जो भी आपने नल वहाँ पे लगाए हैं उसमें जल का प्रावधान हो, उसमें जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत ये 2024 तक हमको 100% करना है पाइप्ड वाटर सप्लाई। देश में लगातार पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और उसी से निजात पाने में ये पर्टिकुलर योजना बहुत मदद करेगी। अब अगर वाटर की बात करें तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जल क्या है, ये अनुसूची 7 के तहत स्टेट सब्जेक्ट है।
तो इसी वजह से सेंटर के साथ स्टेट की भी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होगी। अगर स्टेट कोऑपरेट करेंगे तभी 2024 तक ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव हो पाएगा। अब अगर हम लोग बात करें क्या इस तरीके का कोई प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, तो हाँ इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है जो कि है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। लेकिन समस्या ये है कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसने 50% से भी कम अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस वजह से हमको एक दूसरी स्कीम की तरफ देखना पड़ा। प्रॉब्लम्स क्या थी, इसका एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब था, इम्प्लीमेंटेशन जो फेज़ था वो बहुत ख़राब था, इसका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट था वो बहुत वीक था। सब कुछ करके, सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ 18% जनता को, 18% ग्रामीण बस्तियों को ये योजना के तहत पानी पहुंचाया जा सका, और वो भी प्रतिदिन 40 लीटर से भी कम पानी मिला। तो ये अपने लक्ष्य को पूरा करने में बहुत पीछे रह गई। हालांकि जब इसको शुरू किया गया तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव रखा गया कि भाई 2017 वर्ष तक हमको ग्रामीण आबादी को कम से कम 50% तक पाइप्ड पेयजल प्रोवाइड कराना है, यानी पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर कम से कम 50% ऑफ द पॉपुलेशन को, अगर और भी स्पेसिफिक बात करें तो 50% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना है। लेकिन ये 50% से बहुत कम रह गई, इस वजह से इसका साथ छोड़ के हमने एक नया टारगेट सेट किया है, 2024 तक हमको 100% घरों में पाइप्ड पेयजल की सुविधा पहुँचानी है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे बताया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। भाई फिलहाल क्या हुआ है, फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है करीब 1 साल के लिए। अब हम एक बार इस पे पूरा बैकग्राउंड समझते हुए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, फाइनेंस कमीशन यानी कि जो वित्त आयोग है उसका टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पड़े तो, यानी कोई आर्थिक या राजनीतिक समस्याएं आए तो फाइनेंस कमीशन का जो समय काल है, जो उसका टेन्योर है, जो कार्यकाल है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या हुआ। बेसिकली 2017 में राष्ट्रपति द्वारा 15वीं फाइनेंस कमीशन या फिर 15वें वित्तीय आयोग का गठन किया गया था। तो यानी 2017 में इस पर्टिकुलर वित्तीय आयोग का गठन किया गया, इसमें जो चेयरमैन थे वो थे यहाँ पे एनके सिंह। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ऐसा माना जा रहा था कि ये जो वित्तीय आयोग है ये 2019 वर्ष तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा, और जो इसमें रिकमेंडेशन है वो 2020 से लेकर 2025 तक के 5 ईयर के टेन्योर में लागू किए जाएंगे। लेकिन कुछ समस्याओं के चलते ये चीज़ हो नहीं पाई। जो रिपोर्ट, जो इंटरिम रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करनी थी 2019 में, वो करने में ये वित्तीय आयोग असमर्थ रहा। क्या समस्याएं थी, सबसे पहले तो देखिए जम्मू कश्मीर का एक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसकी वजह से बहुत समय तक देश में चिंताजनक स्थिति बनी रही। उसके अलावा इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आ गया देश में, बहुत समय से इकोनॉमी में एक स्लोडाउन चल रहा है। फिर उसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन था वो भी प्रॉपर नहीं हो पाया। और चौथी बात, स्टेट्स यानी कि राज्य लगातार डिस्प्यूट्स कर रहे हैं। डिस्प्यूट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी के तहत जो प्रॉमिस किया गया था उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाया। तो इन कुछ फैक्टर्स के चलते सही डेटा नहीं निकाल पाया वित्तीय आयोग, जिसकी वजह से 2019 में जो उसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो नहीं कर पाया। तो इसी वजह से वित्तीय आयोग ने राष्ट्रपति से कुछ टर्म एक्सटेंड करने की मांग की, जिसके तहत 15वें वित्त आयोग का टर्म एक्सटेंड कर दिया गया पूरे 1 साल से। यानी अब इस आयोग को 2020 अक्टूबर में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया, यानी ये इसका टर्म है, इसके पहले भी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है लेकिन मैक्सिमम 2020 अक्टूबर तक उसको जाना है। और अब क्योंकि वो 2020 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो उसकी जो रिकमेंडेशन है वो 2021 से 2026 तक के 5 ईयर पीरियड में इम्प्लीमेंट की जाएंगी। साथ ही इस वित्त आयोग ने कुछ और रीजंस दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल में जो जीडीपी के फिगर हैं वो बड़े अजीब से बिहेव कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी एक्सट्रीम नीचे जा रही है, तो इस वजह से हमको एक कॉन्स्टेंट या कंसिस्टेंट डेटा नहीं मिल पा रहा, और इसी के चलते हमको एडिशनल टाइम की ज़रूरत है जिससे कि हम डेटा एकजुट कर पाएँ और एक फाइनल अच्छी रिपोर्ट आपको तैयार करके दे पाएँ। तो उसी के तहत उन्होंने टर्म के एक्सटेंशन की मांग की थी राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति ने उसको एक्सटेंड कर दिया 2020 तक, और अब वो जो रिपोर्ट आएगी 2020 में वो 2021 से 26 तक लागू होगी।
अब इस पूरी न्यूज़ में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि भाई फाइनेंस कमीशन होती क्या है। 280 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसको गठित किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स देखती है, दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल यानी केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और फिर उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, एक है हॉरिजॉन्टल एक है वर्टिकल। जो पहली फाइनेंस कमीशन थी, जो पहला वित्त आयोग था, उसकी स्थापना 1951 में की गई थी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, और फाइनली उसका गठन हुआ 1952 में, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी। हर 5 साल की इंटरवल पे राष्ट्रपति द्वारा इनको गठित किया जाता है। अगर हम बात करें तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध हैं। इसी वजह से 2019 में उसको रिकमेंडेशन देने को कहा गया था, और 2020 से 2025 तक उसकी रिकमेंडेशन वैलिड रहती, लेकिन अभी ना देने की वजह से 2020 में अब उसकी रिकमेंडेशन आएंगी जो कि 2021 से 2026 तक के लिए वैलिड रहेंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर सीरीज से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद हो रही होगी, और आपको न्यूज़ समझने में और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।